आप सोचते नहीं लोगों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मुझे इतना डैमेज करने की कोशिश की कि उन्होंने इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस को ईमेल करना शुरू किया। मैंने FII में केस किया हुआ है और मैं हाई कोर्ट तक गई हूँ सिंध के। हमारा काम करने का तरीका है ना सिंध में, मैं उंगली नहीं उठाती हूँ हुकूमत के ऊपर, मैं कहती हूँ आए बैठ के बात करें, फिर बात करते हैं। और जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जब बिल आ रहा था तो सब साथ थे, और जब बिल आ चुका तो सब गायब हो गए। मैं तो अभी केस का रिजल्ट आने के बाद मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी कम्युनिटी को बिठा के, बिकॉज मैं तो किसी के बाप से डरने वाली नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बी माई गेस्ट विद हिना हफीज़ुल्लाह इशाक। पिछले काफ़ी प्रोग्राम से वी बिन डूइंग टैकलिंग द इशू ऑफ ट्रांसजेंडर्स। मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, हम चाह रहे हैं कि इंक्लूजन की तरफ हम लेके जाएं। जहां हमने बहुत से चीज़ें देखी कि क्या क्या नहीं होता और कितनी स्ट्रगल्स हैं, दिस इज़ सक्सेस स्टोरी एज़ वेल। Today with me is Pakistan's first fashion model. She's a transgender. She's an activist and an actor, Kami Sid. Kami, welcome to the program and thank you for agreeing to do this. Thank you so much, Hina, for having me here. How was it? You're in modeling, a transgender model, wo bhi pehli Pakistan ki, to I'm sure it wasn't easy. Because it's another stereotype in my life, what I believe, the first word, anybody can be a model. So, मैं अभी 30 साल की हो चुकी हूँ और 30 साल का जो पिछला सफ़र है अगर मैं याद करूँ तो कोई आसान सफ़र तो है नहीं वो, बिकॉज़ हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के मसले मसाइल तो कुछ और तरीके के ही हैं। और फिर जब हम जेंडर की बात करते हैं तो अक्सर लोग चुप हो जाते हैं और किसी और तरफ ले जाते हैं बात को। तो बींग अ ट्रांस फ्रॉम द मुस्लिम फैमिली, और सेकेंडली उसका मॉडल बनना, तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़, बहुत मुश्किल चीज़ है। और लोगों को लगता है कि शायद ये रातों रात मैं कोई मॉडल बन गई है, रातों रात मैंने कुछ अचीव कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जो लोगों ने करना चाहिए, और मैंने ख़ुद भी चाहा कि मैं कुछ करूँ अपनी कम्यूनिटी के लिए। अब सिंपल सी चीज़, बहुत मुश्किल बहुत होगा डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसफोबिया, डिड यू फेस दैट? है ना, अगर हम डिस्क्रिमिनेशन या ट्रांसफोबिया की बात करें तो वो तो अभी भी है हमारे सोसाइटी के अंदर। सिर्फ काम ही हमारे नहीं, वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत वायलेंस है। लेकिन अब ट्रांस पीपल ने, मैं तो ये देख रही हूँ कि अब हम जितना टेक्नोलॉजी के करीब जाते जा रहे हैं उतना हम इंसानों से दूर जाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ टॉलरेंस ख़त्म होता जा रहा है, हम बर्दाश्त ही नहीं करते किसी को अच्छा करते हुए देखते हुए या किसी को मुख्तलिफ देखते हुए। जेलसीज बहुत हैं। और देखिए, मैंने बचपन से लेकर अभी तक मैंने स्कूलिंग भी की और कॉलेज भी पढ़ा, यूनिवर्सिटी भी गई, और इस पूरे सफ़र में मैंने भी कुछ ऐसे अल्फाजात सुने जब मैं किसी गली मोहल्ले से गुजर के या स्कूल में जाती थी तो जो लोग बच्चे थे जो दूसरे लड़के थे वो उस तरह की आवाज़ें करते थे जिसको सुनकर शायद कोई भी बच्चा शायद अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा। तो मुश्किल होता है किसी भी एक इंसान के लिए जब वो मुख्तलिफ होता है, और मुख्तलिफ होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी मुख्तलिफ हो सकता है। और किसी के भी घर में भी हमारे जैसा कोई ट्रांसजेंडर या मुख्तलिफ सेक्सुअलिटी या जेंडर के साथ बच्चा हो सकता है। बात तो सिर्फ ये कि अगर हम अपने दूसरे बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं तो जैसे स्पेशल बच्चे हम जिन्हें कहते हैं, मैं तो स्पेशल नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ कि वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। तो हमने तो खुद टर्मिनोलॉजीज बनाई हुई है लोगों के लिए अपनी आसानी के लिए, अपनी आसानी ताकि हम उसको अपने जस्टिफिकेशन हम उसको किसी बॉक्स में डाल सकें और खुद अपने आप को हम ऊपर ले जाएं ना कि हम बड़े कोई हैं जो हम। और हमारे तो गेम ही सारा वो सुपीरियरिटी का है ना कि हम बड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है। और जब मैं मॉडलिंग भी कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये था कि शायद इसके बाद कितना बैकलैश आएगा, नॉट फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम माई फैमिली साइड एज वेल, बिकॉज मेरा घर जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ वो भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है ना। बिल्कुल। और घर वाले कभी भी बच्चे को ना अबैंडन करते हैं ना ही छोड़ना चाहते हैं, माँ के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, बट वो सोसाइटी वाले इतना प्रेशर करते हैं, इतना पीयर प्रेशर होता है घर वालों के ऊपर कि बच्चा खुद भाग जाता है घर से, या ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो खुद ही आइसोलेट हो जाते हैं। बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज, बिकॉज दे फील इंटिमिडेटेड, या आई थिंक दोनों चीज़ें ही होती हैं। बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ तो इज़्ज़त जो है ना वो तो इज़्ज़त का सारा ठेका जो है वो सारा औरतों ने उठाया हुआ है ना, तो बिकॉज़ मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ
और ऊपर से और सबको अपने घरों में हमारे यहाँ जो मैंने देखा है कि सबको लड़का ही चाहिए, किसी को लड़की नहीं चाहिए घर में। तो अगर मैंने अपनी ट्रांजिशन कराना चाही तो क्योंकि मैं तो और बहुत बड़ा शौक कहना है कि लड़का हो के कह रही है कि मैं और ऑनेस्टली मैं अभी तक अपने घर वाले को समझाती हूँ कि मॉडलिंग करने के बाद भी कि आपको याद है कि फलाने बहन की शादी थी तो मैंने सिर्फ वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस की थी, वो भी लड़कियों वाले गाने पे, वाई नॉट किसी और भाई और कज़न ने वहाँ डांस किया और उस वक्त मुझे ख़ानदान वालों ने पैसे क्यों दिए। और अब जब मैं अपने राइट्स की बात करी तो अब क्यों ख़ानदान याद आ गया और ख़ानदान की इज्जत याद आ गई, तो इज्जत का ठेका तो मैंने तो नहीं लिया मैंने सिर्फ ख़ानदान का। हैविंग सेड दैट, तो वर यू एबल टू डू व्हाट यू वांटेड इन लाइफ, यू आर स्टिल फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर? व्हाट आई बिलीव लाइक मैंने वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लिया जो शायद एक इंसान की ख्वाहिश होती है। अच्छा चलो, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे, मैं क्योंकि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और मैंने जितना भी कुछ गेन किया है शायद वो अपनी स्ट्रगल से किया है या जो लोग मेरे आस पास थे जिन लोगों ने मुझसे मोहब्बत की है। इस इंडस्ट्री सपोर्टिंग फैशन इंडस्ट्री? फैशन इंडस्ट्री यस। मुझे लगता था कि शायद लोगों में अभी तक वो फोबिया होगा जो पाया जाता है, ऐसे लोग हैं जो शायद अभी तक पसंद नहीं करते होंगे, पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और मैंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है इंडस्ट्री में रहते हुए और अभी भी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं देख रही थी कि फिल्में भी की हैं, देयर वाज अ शॉर्ट फिल्म व्हिच यू डिड रानी के नाम से, सो वुड यू टेल अस? रानी फिल्म मैंने 2016 में शूट की थी जब मैं मॉडल भी नहीं बनी थी। अच्छा। शूट करने के बाद जब हम शूटिंग कर रहे थे तो उससे पहले मेरा ऑडिशन वगैरह मैं इतनी सीरियस नहीं थी क्योंकि उस वक्त इतना कोई सर पे सवार भी नहीं थी चीज़ और अभी भी नहीं है कि मुझे मॉडलिंग ही करनी है या एक्टिंग करनी है। मेरा काम तो ग्राउंड पे है, कम्युनिटी के साथ है, बीइंग एक्टिविस्ट, मैं एक्टिविस्ट फर्स्ट हूँ बाद में मॉडल हूँ या एक्टर हूँ। तो फिल्म शूटिंग जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना मुश्किल तरीन काम है और कितनी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी ये थी कि एक ट्रांसजेंडर जो कि अपनी फ्रेंड के साथ एक बहुत गरीब मोहल्ले में रहती है और वो खिलौने बेचती है, वो खुददार है। She is not a sex worker. क्योंकि ये भी तो एक थप्पा लगता है ना कि जी ट्रांसजेंडर हैं तो जरूरी है कि सेक्स वर्क में या डांसेस में ही इन्वॉल्व होंगे। हिना जी देखें, ट्रांसजेंडर जो है ना वो भी मैंने जैसे कहा अल्लाह की बनाई है, और ट्रांसजेंडर किसी ट्रांसजेंडर के साथ तो सेक्स वर्क नहीं कर रहा ना, खरीदने वाले तो आम इंसान ही हैं, तो व्हाई नॉट कि अगर वो उनका जिस्म ना खरीदने के बजाय उनको कोई राह दिखाएं, रोजगार दें, उनको पैसे दें कि आज ही पैसे रखो और आज के बाद तुम्हें ये काम नहीं करना। हम चूंकि ऐसे माशरे में रहते हैं जिधर हम अपने आप को अनटचेबल्स समझते हैं और लाइक यू आर सेइंग कि जो खरीद रहा है वो तो ट्रांसजेंडर नहीं है ना, और लेकिन वो जिसे कहते हैं ना नहाते धोते निकल जाते हैं। वी आर लिविंग इन अ वेरी सो कॉल्ड मेल डोमिनेंट सोसाइटी वेयर वी आर अबाउट, वो बात रहती है इज्जत तो हमने ही सबकी रखनी है, बाकी तो किसी ने रखी। सो रानी ये बैकग्राउंड थोड़ा सा इसलिए था कि हम किस तरह ट्रांसजेंडर्स को परसीव करते हैं। सो दिस स्टोरी, रानी इज अ खुददार ट्रांसजेंडर जो खिलौने बेचती है और ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो कि खिलौने बेचते हैं और काम करते हैं, तो वो खिलौने बेचती है और एक रात वो देखती है कि एडी के जो झूले बाहर होते हैं उसमें कोई माँ जो है अपने बच्चे को छोड़ के चले जाती है और बच्चा हमें जब घर लेके आती है तो वो लड़की होती है, तो जब मैं लेके आती हूँ तो जो मेरी बड़ी होती है जो मेरे दिखा में रहती हूँ वो कहती है कि तुम नहीं रख सकती क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि हेड़ा माँ बन गया, तो मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे रखने दो, मुझे इसको पालना है क्योंकि मेरे दिल में वो दर्द होता है उसके लिए। और उसके बाद वो बच्चे के जब मैं बच्चे को रख रही होती हूँ तो मुझे ये भी होता है कि मैंने इसका फ्यूचर बनाना है, मैंने इसको पालना है, मैंने इसके लिए सामान खरीदना है, इसको कपड़े खरीदने, फिर जब मैं सब कुछ कर रही होती तो उसके दरमियान ये दिखाते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेशन है। दुकान पर जाते तो दुकान वाले तरह तरह के सवाल करते हैं, खिलौने बेच के रात को आ रहे थे तो मेरे साथ मुझे लोग तशद्दुद करते हैं मेरे ऊपर और मुझे मारने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ होता है क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि एक ट्रांसजेंडर कोई बच्चा है। एंड में मैं ये करती हूँ कि मैं इस बच्चे को दोबारा एडी सेंटर छोड़ आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद इस बच्चे को नहीं रख सकती या ये सोसाइटी जो है मुझे इस बच्चे को रखने नहीं देगी। दैट इज हार्ट ब्रेकिंग, दैट इज रियली रियली हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ योर जेंडर आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन कि जो आपका बेसिक एक ह्यूमन राइट है और ये तो एक बेसिक उस बच्चे का भी है। देखिए ना कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ और मुझसे अक्सर जब मैं कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ तो पैनल डिस्कशन में अक्सर उल्टे उल्टे सवाल करते हैं लोग, तो एक बच्चे ने पूछा कभी मुझसे कि आप तो कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैंने कहा कि मैंने बोला बेटा औरत का काम माँ बनना तो नहीं है ना, और बच्चे पैदा नहीं, उसने कहा क्या बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो मैंने बोला औरत का काम बच्चे पैदा करना नहीं है, यहाँ जो औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो क्या वो माँ नहीं है। हमने हर चीज़ को इक्वेट किया है कि औरत मुकम्मल ही तब है जब वो माँ बनेगी। जी बिल्कुल। आप ये नहीं समझते कितने लोग हैं जो माँ बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं, भरी पड़ी हैं हमारे अदालतें, भरी पड़े ईदी भरे भरी पड़ी है
कूड़े के ढेर जहाँ वही माएँ जो बनती हैं, जो बाप होते हैं, उन्होंने अपने बच्चे कत्ल करके फेंके होते हैं. सो माँ बनना इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल थिंग. ये हमारे लोगों को और शायद सारों को समझना चाहिए हमको कि माँ बनना एक फीलिंग है. आप जब एक जानवर भी पालते हैं ना, तो द लव यू हैव फॉर दैट एनिमल वो भी एक ह्यूमेन साइड पे होता है ना प्यार, तो बायोलॉजिकल चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है. हाँ, तो दूसरा ये कि बिकॉज हम तो लोगों को देखते हैं ना कि कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, या क्या पहनावा है, या इनका उठना बैठना कैसा है, या ओ अच्छा ट्रांसजेंडर है तो फिर एक तरह का ही काम करते होंगे. वो नहीं देखते कि बिकॉज हमारे यहाँ पर जेंडर और सेक्सुअलिटी को लोगों ने बहुत हवा बनाया हुआ है. और एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैं हमेशा मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में मैंने छुपाने की कोशिश की कि जेंडर और सेक्स दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं. क्योंकि जेंडर हमारे दिमाग के अंदर है और जो सेक्स है, वर्ड सेक्स, वो टांगों के दरमियान है उस, और इनका आपस में कोई ताल्लुक भी नहीं है. तो इसको जानने की लोग कोशिश भी करें, पढ़ें. अब तो सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ हमने कोशिश करनी है टू अंडरस्टैंड के व्हाट. और अभी भी देखिए हिना जी, अभी भी ये ना कि कम्युनिटी के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि घर से भागना चाहते हैं, या हमारे पास आते हैं मेरे दायरे में मिलने के लिए, तो मेरे को कहते हैं कि देखो घर मत छोड़ो, घर प्रोटेक्शन है. हाँ, घर छोड़ना किसी मसले का हल नहीं है. पहले अपनी तालीम मुकम्मल करो, हाथ में कुछ होगा तो बाहर निकल के कुछ कर पाओगे ना. ये मत देखो कि कामी ने क्या कुछ अचीव कर लिया, मैंने भी घर में रहकर मार खा के तालीम हासिल की है तो मैं आज कुछ कर पा रही हूँ. क्योंकि तालीम आपको शऊर देती है, कुछ देना दे. बिल्कुल सही, ठीक है. तो हम तो मैं तो ये बच्चों को कहती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है उनको बताना. क्योंकि एक बच्चा छोटा बहुत वल्नरेबल होता है. जब वो घर से बाहर निकल आएगा तो वो किन लोगों के हाथ में पड़ जाएगा, अच्छे लोग भी और माशरे में बुरे लोग भी. तो हम क्यों ना ये वालदेन को भी अवेयरनेस दें कि ये आपका ही बच्चा है, आपने ही पाल बड़ा करना है. और अगर वो नहीं आपको लगता जिस तरह आप समझते हैं उसको होना चाहिए, दैट डजंट मीन कि आप बच्चों पे तशद्दुद करें. तशद्दुद कोई हल नहीं होता किसी. ऑब्वियसली मेरे भाई भी मुझे भी याद पड़ता है, मैं भी हंसती हूँ बैठे हुए ना. मुझे कहते थे जब मैं 12-13 साल की थी, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो कहते थे कि लड़कों की तरह चलो, लड़कों की तरह बात करो. मुझे आज तक पता नहीं चला कि आदमी लोग कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, बिकॉज ये तो उन्होंने एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ था अपने दिमाग में. और मैंने तो घर वालों को कहा कि मुझे तो अगर आप सोली पर भी टंगा लेंगे तो मैं कहूँगी कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ. बिकॉज ये तो ऐसा नहीं है कि मैं डिफिकल्ट जर्नी का मी आई कैन ओनली इमेजिन के हाउ ट्रॉमेटिक. हाँ, बहुत मुश्किल है. अब मेरा काम तो सेंसिटाइजेशन का है, अवेयरनेस करने का है. और मैं जितना भी काम कर रही हूँ मीडिया के अंदर, सारा कॉज बेस कर रही हूँ. और अभी 2017 में हमने एक कैंपेन की थी चेंज द क्लैब. उस चेंज द क्लैब के अंदर भी हमने ये मैसेज दिया था कि जब ताली बदलेंगे तो सोच बदलेगी आपकी. क्योंकि लोग बचपन में एवरी सिंगल ट्रांसजेंडर जो है उसने ये ताली की आवाज़ें सुनी होती जब वो किसी मोहल्ले से गुजर के जा रही होती है. तो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपका बिहेवियर बदलना बहुत ज़रूरी है बाबा. लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह अब वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आया हुआ है उसमें दिया है, हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इतना कुछ नहीं किया. मैं हर बार यही कहती हूँ कि गवर्नमेंट पता नहीं अपनी जूती ढूंढने में ही लगी हुई है. लेकिन ऑब्वियसली लॉज आ गए प्रोटेक्शन के, पहले भी थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको है. लेकिन अब देयर इज़ अ डेफिनेट लॉ. लेकिन किसी भी कानून की मौजूदगी से ज़्यादा ज़रूरी हमारी सोच है. कि जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जब आप एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो वो तो हमारे हाथ में है ना. हुकूमत जो मर्ज़ी करे, कानून जो मर्ज़ी करे, एज अ पर्सन हम लोगों ने अपने दरीचे खोलने, दिल खुले करने और एक्सेप्ट करने. सो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट या असिमिलेट करना एज अ ट्रांसजेंडर. अब तो योर वर्क टेक्स यू जिसे कहते हैं नॉर्मल रेल्म में, ऑल्दो आई डोंट लाइक दिस वर्ड, या लेकिन फॉर ईज ऑफ रेफरेंस के जो आम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को बड़े वो पीरियड सारे हम समझते हैं ना नॉर्मल लोग. सो आप बेसिकली एज एन एक्टर यू आर डूइंग फिल्म्स. योर फिल्म मेरे टू फ्रांस, ये रानी जो है, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. लेकिन यू आर जस्ट टेलिंग मी के यू शूटिंग अनदर फीचर फिल्म नाउ. तो जब आप डील करती हो आम लोगों से, डू यू थिंक, डू यू फील असिमिलेटेड या इंटीग्रेटेड या एक्सेप्टेंस लेवल क्या है? तो आपका इतना बड़ा सवाल है. हाँ. तो जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं ना, तो प्रोटेक्शन तो सबके लिए है. हाँ. और ये स्टेट की जिम्मेदारी है. बिल्कुल. ये कोई एहसान नहीं कर रहा है स्टेट हम पे ना, कि हम एहसान कर रहे हैं. अभी रिसेंटली वजीर आजम साहब ने एक गिग किया है वो सेहत कार्ड वाला. आई अपोज दिस थिंग ना, बिकॉज हम आपने दोबारा हमें बैगिंग की तरफ धकेल दिया कि आओ और सेहत कार्ड ले लो, मैं तुम्हारे साथ पिक्चर खिंचवाना चाहता हूँ.
हम तो नहीं खिंचवाना चाहते आप, लेकिन लोग तो चले गए, लोग चले गए, हम अपोज कर रहे हैं, कम्युनिटी में बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन सेहत कार्ड से ज्यादा जरूरी पॉवर्टी लाइन जो हमारी कम्युनिटी में, उसको खत्म करना है। आप रोजगार दें, रोजगार दें, आप बात करें, आप उनके लिए कोई कोई एम्प्लॉयमेंट निकालें। देखिए मैं तो सिंध में काम करती हूँ ना, और फेडरल की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट मुख्तलिफ है, और इनकी आपस में बनती भी नहीं है। तो जब हम सिंध में बैठ के बात करते हैं, वो कहते हैं हम तो सिर्फ फेडरल में काम कर रहे हैं, ठीक, और हमें तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, हम तो बहुत दूर बैठे हुए ना। बिल्कुल सही, लेकिन कामी एक चीज़ जो थोड़ी सी ये सेहत कार्ड के हवाले से, वॉट एवर देयर मोटिव या इंटेंशन, लेकिन सेहत कार्ड से ये नहीं होगा कि ऑब्वियसली मार्जिनलाइज तो है कम्युनिटी, और बीमारी में कोई ना कोई एहसान के तौर पे नहीं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ राइट, और ये हर पाकिस्तानी शहरी का राइट होना चाहिए टू एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। तो ट्रांसजेंडर्स को ही नहीं, सिर्फ बाकी लोगों को भी। जी आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, पर आपको लगता है कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो इतने सेंसिटाइज हैं कि हम ट्रांसजेंडर के साथ अच्छा? ये हमने बात बड़ी दफ़ा की है, जब ये हम ट्रांसजेंडर प्रोग्राम्स कर रहे के जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग ही नहीं है उनको। देखिए उस कार्ड को देना ज़रूरी नहीं था, उस कार्ड के लायामल को बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वो कार्ड सिर्फ उनको मिलेंगे जिनके पास जेंडर एक्स का कार्ड है, ठीक, ठीक है, और जेंडर एक्स के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर प्रॉपर्टी राइट, इनहेरिट राइट हम किसे कहते हैं, वो सिर्फ मर्द और औरत को मिलेगा, किसी तीसरी जींस को नहीं मिल सकता, ठीक है। तो जब हम जेंडर एक्स का कार्ड बना लेंगे, तो अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए अपने घर वाले से, तो मैं कैसे मांगूंगी? नहीं नहीं मांगोगी, उसमें जो बेसिक है ना वो ये है कि आप जो आपके लॉ है वो ये कहते हैं आप अपने आप को, नादरा की जो एक्स के पीछे की फिलॉसफी ये है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई किस तरह कर रहे हैं, वो भी है ना। तो अगर आप अपने आप को एज अ वुमन आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको वही राइट मिलेगा। नादरा की जो ऑर्डिनेंस है उस पर भी बात हो रही है अभी, लास्ट जो चीफ जस्टिस, लॉज में लकुनास बहुत है ना, तो वो होने वाले हैं। अभी जो चीफ जस्टिस साहब गए, साकिब निसार साहब जो चले गए, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कम्युनिटी को बुलाया और इस हवाले से बात करने की कोशिश, दो दो मिनट देते थे वो बात करने के लिए सिर्फ, तो बात करने की कोशिश की कि इसमें क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं। तो बात यह है कि नादरा प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट आ गया, एक्ट के अंदर तमाम चैप्टर्स हैं, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो जब बिल आ रहा था तो सब साथ थे, और जब बिल आ चुका तो सब गायब हो गए। बड़े शहर में तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो बात ये कि अब तो हमने कम्युनिटी को कहा कि अब हमने खुद करना है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। देखो ये इनहेरिटेंस में ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हिस्सा तो हर सूरत देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप कहेंगे कि जी कामी लड़की नहीं है, तो फिर आप कामी को लड़के का हिस्सा देंगे ना, ठीक है। या जो ट्रांस मैन है उसको, अगर वो लड़की पैदा हुई है और लड़के का, उस पर फड्डा पड़ेगा कि जी फिर, या तो आप ये सिर्फ ये देखना पड़ेगा आप कोर्ट से इसको किस तरह करेंगे कि एक बंदा जिसका जेंडर एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द जेंडर असाइंड एट बर्थ, आप हिस्सा किस हिसाब से देंगे, आइदर केस हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। पर देखिए हमारे यहाँ तो यही ना कि हमारे तो जान छुड़ा लेते हैं घर वाले, वो तो कहते हैं कि तुम तो हो ही नहीं, तो हम नहीं नहीं नहीं, तो आप लोगों ने नहीं जान छोड़ने, हम तो नहीं छोड़ेंगे जान, पर देखिए अब बात, मैं तो ओवरऑल कम्युनिटी की बात कर रही हूं कि हिम्मत नहीं हारनी, हाँ हिस्से तो आपके हैं ही हैं। जहाँ तक बात हम करते हैं ना कि हमारे सिस्टम में बहुत फ्लॉज हैं, प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट आ गया विच इज़ टोटली अप्रिशिएबल थिंग, लाइक हमने बहुत अप्रिशिएट किया 2018 में, कहाँ तक आवाज़ नहीं गई। उसके पीछे भी देखिए ना कि हमारी गवर्नमेंट हर साल यूएन के साथ कुछ ट्रीटी साइन करती है, यूपीआर हमने भेजा जब अपना यहाँ से, हमारे ये जेंडर राइट्स का जो यूपीआर गया है जेंडर एक्सप्रेशन का, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के गए जिसमें ब्लैस्फेमी था, टेररिज्म था एंड ऑल दैट। तो हुकूमत ने ह्यूमन गोरो को खुश करने के लिए, ह्यूमन को खुश करने ट्रांस, के लिए ट्रांस को राइट्स दे दिए। चलो शुक्र करो, चलो शुक्र करें, हमें तो मिल गए ना, हाँ शुक्र करो। ये तो देखिए हम हुकूमत को पहले लगता था कि कम्युनिटी इतनी अवेयर नहीं है, पर अब हम उनसे ज़्यादा अवेयर हैं। बिल हमने बैठ के बनाए ना, हमारे लोगों ने बैठ के उस बिल का होमवर्क किया है, कुरानी आयत तक हम निकाल के लेके आए उसके लिए। तो बात यह है कि अब तो कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में आ चुकी है, बिल्कुल, और उसको अब घरों में बिठाना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो बिठाने की जरूरत भी नहीं ना, अब बात वही है कि यू हैव टू मेक द कम्युनिटी अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस। और मैं ना अब मैं मेरा जो हमारा काम करने का तरीका है ना सिंध में, मैं उंगली नहीं उठाती हुकूमत के ऊपर, मैं कहती हूँ आए बैठे बात फिर बात करते हैं,
अभी रिसेंटली मैंने चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के बात की है एंड ही इज एग्री ऑन माय ऑल पॉइंट्स. तो फिर दैट इज अ गुड थिंग. दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज हमने बहुत प्रोटेस्ट कर लिया, हमने बहुत अपना वक्त जाया किया कंफ्रंट करके. ये जब मैं सरकार में भी थी मैं लोगों को कहती थी कि देखो सरकार से काम निकलवाने का तरीका भी है हाँ. कि आप आराम से बैठें बजाय कि आप सीधे उठाते हैं केस मारते हैं ले जाते हैं. हाँ करना चाहिए. आप केस तब करें जब कोई आपकी सुने ना. सुने ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट या पब्लिसिटी के लिए मत करें आप. क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सरकार इतनी भी बेहस नहीं होती. आई नो वो कर लेते हैं आखिर काफ़ी कुछ इर्द गिर्द देखो ना तो हुआ हुआ है. अच्छा ये तो सारी चीज़ें हो गई. दे वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी यू वर इन्वॉल्व इन लास्ट ईयर के आई जस्ट स्टम्बल्ड अक्रॉस इट के औरत मार्च जो पिछले साल हुई उसमें कोई इशू हुआ था. तो क्या इशू था वो? इशू ये था कि कुछ मर्द हजरात हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के जिनको ब्लैक शीप्स कहते हैं उन्होंने मुझ पर कुछ इल्ज़ाम लगाना शुरू किया. और वो इल्ज़ाम मैंने अभी भी मेरे से आपके शो में सिर्फ बता रही हूँ अभी मैंने ये बात कही नहीं की मैंने FIE में केस किया हुआ है और मैं हाईकोर्ट तक गई हूँ सिंध के. मैं नहीं गई थी जिनके खिलाफ मैंने किया था वो लेके गए तो हाईकोर्ट ने डिस्पोज कर दिया उनको कि आप तो बुरा काम कर रहे हैं आप तो गलत कर रहे हैं आपके पास कोई सबूत नहीं आप कैसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं. देखिए बात जब हम करते हैं ना कि और किसी तंजीम की मैं तो एक तंजीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ सबरंग सोसाइटी जो कि हुकूमत के से एफिलिएटेड है और जो कि ऑन ग्राउंड अब तो चीफ मिनिस्टर साहब भी हमें जाने लग गए हैं तो हम तो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं. औरत मार्च कहाँ रजिस्टर्ड है? ठीक है मैं अभी भी औरत मार्चों को मैं जाऊंगी कराची में मुझे तो किसी का अंदाता नहीं रोक सकता बिकॉज मार्च तो सबके लिए है ट्रांस वुमेन आर वुमेन. और देखिए बात ये कि यहाँ पर लोगों के पर्सनल एजेंडाज बहुत हैं लोगों के पर्सनल ग्रजेस बहुत हैं लोगों की जेलसी बहुत हैं. आप ये देख रहे हैं कि कामी यहाँ थी और यहाँ आ गई. आपने देखा कि जो बीच में गैप था वो कामी ने कैसे फिल करने की कोशिश सिर्फ टांग खींच ली है. आपने सिर्फ टांग खींच ली है. तो जब 4-5 महीने पहले सब कुछ स्टार्ट हुआ रमज़ान के अंदर मेरे खिलाफ तो आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट आई वॉज सो डिप्रेस्ड मुझे नर्वस ब्रेक डाउन भी हुआ. एंड आई गॉट कॉल फ्रॉम माई अम्मी शी इज़ नॉट एजुकेटेड इनफ. उन्होंने मुझे फ़ोन किया उन्होंने बोला हम तुम्हारे साथ हैं तुम कोर्ट जाओ. बड़ी बात है वैसे देखें एक माँ ठीक है और मेरी अम्मी तो पंजाबी हैं जटनी हैं तो वो तो कहती हैं कि बस आ रही हैं पार अब तो ठीक तुम गलत हो तो तुम्हें हम फांसी पर लटकाएंगे वो गलत हो तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए. ठीक देखिए आप एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी की मेंबर जिसको कम्युनिटी मेंबर जितना चाहते हैं और कराची में तो लाइक और भी लोग काम कर रहे हैं पर मेरा काम करने का तरीका ही कुछ और है. मैं तो साथ बैठ के पूरी पूरी रातें गुजार के कम्युनिटी के साथ आ चुकी हूँ. बड़ी सीरियस एलिगेशंस थी हाँ और ये वही बात है ना कि आप सोचते नहीं लोगों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा. उसका इम्पैक्ट तो पूरी कम्युनिटी पे पड़ेगा ना हाँ. कि आपने कम्युनिटी लीडर के ऊपर ऐसा नाम इल्ज़ाम लगा दिया और उसके अंदर कोई कम्युनिटी मेंबर भी शामिल नहीं है. डू यू माइंड अगर हम एक्सप्लेन कर दें क्या इल्ज़ाम था? हाँ मैं बता देती हूँ कि 4-5 साल पहले मैं जब एक तंजीम में काम करती थी तो मुझे वहाँ से जॉब से निकलवाने के लिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही थी और अच्छा काम कर रही थी HIV/AIDS के ऊपर तो उन्होंने कहा कि कामी जो है वो उसने किसी बच्चे का रेप किया. देन उस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन हुआ और कुछ भी सामने उन्होंने बोला ये सब फेक एलिगेशन है उसको सिर्फ यहाँ से निकलवाने और इसको स्टिग्मेटाइज करने के लिए वो अब खत्म हो गया. उसके बाद जब मैं दोबारा फेमस हुई सो दे केम अप विद दिस थिंग वो पीछे के खाते खोल के. सो मैंने कहा कि देखें कोर्ट वो बंदा नहीं जाता कि जिसको लगता है कि वो गलत है. सही कह रहे हैं. और मैं कोर्ट गई हूँ मैंने केस किया है उन्होंने ही नहीं किया. और उन्होंने देखिए मुझे इतना डैमेज करने की कोशिश की कि उन्होंने इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल करना शुरू की जिनके साथ मैं एफिलिएटेड. एक्चुअली जेलेसी का एक बहुत बड़ा हमने देखा है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ही नहीं सिर्फ हर जगह कि ये होता है कि जब आप देखते हो कि लोग इस तरह के कोई काम कर रहे हैं और शायद उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या ज़्यादा प्रोमिनेंस मिल रही है या कोई शायद लोग अप्रिशिएट करें सो यू ट्राई टू यू नो कम अप विद दीज थिंग्स और यू ट्राई टू हर्ट देम. मैं तो अब सबक सिखाऊंगी. लोगों को लगता है कि कोर्ट सही फैसले उनको लग रहा है उनमें से कुछ एक बंदी जो है वो खुद भी लॉयर है उसको लग रहा है कि कोर्ट सही फैसले नहीं करता. अच्छा कोर्ट सही फैसले आप खुद तो फिर रेमेडीज तो है नहीं हाँ, करते तो ऊपर जाएं. आपने तो कोर्ट पहना हुआ है आप तो खुद हैं और आप तो अब बेल पर हैं वैसे भी वो नहीं कहती कि अभी तो घर बैठी है वो अभी आएगी दोबारा वापस. तो बात ये कि देखिए उनको लगता था कि शायद मैं ट्रांसजेंडर हूँ मैं डर के घर बैठ जाऊंगी और काम नहीं करूँगी. डरने से तो बात नहीं बनती. मैं तो सबक सिखाऊंगी क्योंकि अगर आप कुछ अट्रॉसिटीज़ के खिलाफ नहीं करते तो बेसिकली आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना उस. और हिना जी इस पूरे 4-5 महीने में मैंने जितना लॉ को पढ़ा है ना शायद ही किसी ने पढ़ा. अच्छा गुड ऑन यू कामी. मैंने सारे सेक्शन पढ़े हैं इसके अंदर.
मैंने पढ़ा कि वो FIE का वो जो 55 है और 60 है वो कहाँ लगता है, CPRC PPC क्या है, और कहाँ कहाँ उन्होंने मुझे डैमेज करने के, मुझे बहुत डैमेज किया है उन्होंने, उनको लगता है। और रेमेडीज भी बहुत अच्छी हैं कामी, सो आई विश यू लक, और के जो भी है मे द ट्रूथ। और मैं तो खुला बात करती हूँ, मैं तो अभी केस का रिजल्ट आने के बाद मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगी कम्युनिटी को बिठा के, बिकॉज मैं तो किसी के बाप से डरने वाली नहीं हूँ। सॉरी मैं इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हूँ, आजकल तो इंटरनेट, देखिए मीडिया हमारे बहुत क्रेजी है, मीडिया ने अगर कुछ छापना था तो शायद वो मुझसे पूछ लेता ना पहले, आप एक ट्रांस, लेकिन आप छापते नहीं है ना, आप ये देख रहे हैं कामी मॉडल, पर आप नहीं देख रहे कामी एक ट्रांसजेंडर भी है, वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रही है। नाउ अब लोगों को ख्याल आ रहा है, अब लोग मुझे जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हो, कि आप केस कर रही हो, तो अच्छा कर रही हो एक्चुअली, और तरीका भी यही है जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो देर इज अ रेमेडी एंड दैट इज टू द कोर्ट्स। थैंक यू। आज का हमारा ये है कि मैं तो सिर्फ इतने पे ही रहूँगी कि कामी इज़ अ सक्सेस स्टोरी, इट इज़ हार्टनिंग फॉर मी एज अ पर्सन टू सी कि एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी की औरत, और इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में, घर में भी कोई आसानियाँ नहीं होती, बाहर भी कोई आसानियाँ नहीं होती, अपनी जगह एक ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फील्ड पर बना ले। यही हम चाहते हैं कि जो भी हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, आई वोंट टॉक अबाउट द मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ क्योंकि वो तो उनके पास तो ऑलरेडी बहुत बेहतर एवेन्यूज़ हैं, लेकिन जो भी हमारी मार्जिनलाइज हैं स्पेशली ट्रांसजेंडर्स, वो हमारी सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस की तरफ जाए, असिमिलेशन की तरफ जाए, हम उन्हें धतकारें नहीं, हम उन्हें सिर्फ सेक्स वर्कर्स लेबल करके हतक से या उनकी इज्जत को डैमेज मत करें। जिस तरह कामी ने कहा कि आखिर खरीदने वाला कौन होता है, तो आप सोचें ये ट्रांसजेंडर्स, इनको आप अपने साथ बेहतर रोजगार, बेहतर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, हर महजब माशरे का, और स्पेशली एक माशरा जिसकी बुनियाद इस्लाम पे हो, उसका ये काम है। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम। Thank you.